जय श्री कृष्णा साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यादव सरकार में। आज हम बात करेंगे यदुवंशी अहिरानियों के महाराज के बारे में। श्री कृष्ण के जन्म से अहिरों में शुरू हुई राज परंपरा को 24 दिसंबर 2023 को गुजरात के द्वारका में 37,000 प्लस अहिरानियों ने अपनी पारंपरिक छत्रानी वेशभूषा पहनकर महाराज करके विश्व में रिकॉर्ड कायम किया। रास खेलने की जो परंपरा इस देश में और दुनिया में खेली जाती है वो अहिरों की ही देन है, जो आज से लगभग 5500 साल पहले शुरू हुई थी। इसका जिक्र कई धार्मिक ग्रंथों में अहिरों की जीवन शैली के बारे में पढ़ते हैं तो साफ साफ मिलता है। आइए आपको बताते हैं कि रास के बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा गया है। अगर इतिहास पे हम नजर दौड़ाएं तो रास का जिक्र हमें विस्तार में हरिवंश पुराण और भागवत पुराण में मिलता है। उसमें लिखा गया है कि रास नृत्य अहिरानियों द्वारा श्री कृष्ण को आराध्य मानकर उनकी भक्ति में लीन होकर किया जाता था। इसको शरद ऋतु में पूर्णिमा की रात को बिल्कुल साफ आसमान के नीचे किया जाता था। रास नृत्य में कई अलग अलग स्तर होते थे और इन सभी को मिलाकर आखिरी में रास नृत्य का अंत होता था। ऐसा लिखा गया है कि अपनी विशुद्ध रूप में इसमें बातचीत, गाना बजाना और प्रवचन के अलावा 9 अलग अलग तरह के नृत्य होते थे। हर एक नृत्य को एक दूसरे से अलग जगह पे किया जाता था। अगर सबके अलग अलग तरीके होते थे, इन सभी 9 नृत्यों को मिलाकर महारास को किया जाता था। रास 2 तरीके से खेला जाता था। पहला डंडे से, जिसको डांडिया रास बोलते हैं, और दूसरा हाथ से, जिसको ताला रास बोलते हैं। रास नृत्य को पुराने टाइम में रास का हलिस्सा, हलिस्का और लसिया भी बोला जाता था। आज के टाइम भी खेले जाने वाले गरबा डांस भी रास का ही परिवर्तित रूप है। एक और मान्यता के अनुसार रास को सबसे पहले भगवान शिव ने माता पार्वती को सिखाया, फिर माता पार्वती ने श्री कृष्ण के पोते की बहू, जिसका नाम उषा था, उसको सिखाया, और उषा ने द्वारका में रहने वाली सभी अहिरानियों को रास सिखाया। वैसे तो अहिरानियों के रास पे बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथों में लिखा गया है और इसको पूरे भारत में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक अहिरों ने ही पहुंचाया है, और बहुत सी रोचक जानकारी इतिहास में दर्ज है। लेकिन इतिहास की गहराई में ना जाकर आज हम आपको आज से लगभग 550 साल पहले गुजरात के कच्छ में घटी एक ऐतिहासिक घटना के बारे में भी बताएंगे। आज से लगभग 550 साल पहले गुजरात में कच्छ जिले के गांव बर्जवानी में एक मेला लगा था। कहा जाता है कि उसमें भगवान श्री कृष्ण एक ढोलिए के रूप में आकर ढोल बजाने लगे और गांव की 140 अहिरानियों ने उसके चारों तरफ रास नृत्य शुरू कर दिया। उसकी ताल इतनी बढ़िया थी कि अहिरानियों ने बिना रुके थके लगातार रास करती रही। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, लेकिन उन 140 औरतों का रास नहीं रुका। फिर एक दिन बीता, 2 दिन बीते और तीसरे दिन भी बीत गया, लेकिन ना तो ढोली ने ढोल बजाना बंद किया और ना ही अहिरानियों का रास नृत्य बंद हुआ। लगातार रास चलने से गांव में कई घरों के काम अस्त व्यस्त हो गए। ना खाना बन रहा था, ना ही खेत के काम हो पा रहे थे, और ना ही दूध दही का काम हो पा रहा था। ये सब गांव के अहिर मर्दों के आपे से बाहर हो गया, तो उन्होंने गुस्से में आकर इस ढोलिए को मार दिया। जैसे ही उस ढोलिए को मारा तो कृष्ण जी के भक्ति में लीन 140 अहिरानियां इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि उन सभी ने वहीं पे अपने प्राण त्याग दिए और धरती में समा गई। जब गांव वालों ने ये देखा तो वो सब हैरान हो गए, और तब उन्होंने एहसास हुआ कि वो ढोलिया और कोई नहीं बल्कि खुद उनके पूर्वज भगवान श्री कृष्ण थे। अपनी गोपियों के साथ रास खेलने आए थे और उनको अपने साथ स्वर्ग ले गए।
इस घटना की याद में ठीक उसी जगह में एक मंदिर बनाया गया जो आज भी हम सब देख सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा श्री कृष्ण के वंशज यदुवंशी अहिरों के रास का इतिहास।